कोई मामूली प्लेन नहीं, ये पूछो कि ये क्या क्या नहीं कर सकता। अब तो एक के बाद एक ऐसे महंगे गैजेट्स मिलते ही जाएंगे मुझे। वो कैसे? मेरे अफ्रीका वाले मामा से। अफ्रीका वाले मामा? कि इतने सालों तक बहुत ही टॉप सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे थे। जलन हो रही है क्यों राज्य के बच्चे? अब देखना कैसे तुझे छोड़ सारे मेरी वाहवाही करेंगे। अब बोलो किस किस को मेरे नए प्लेन को उड़ाने का मौका चाहिए? अब सोमवार तक चार्ली और उसके मामा की कहानियों से छुट्टी। जूली, हाँ? चार्ली को कभी कहते सुना है कि वो उस मामा से कभी मिला भी था? मिला तो नहीं, पर कल जरूर मिलूंगा। उन्होंने यही आर्यनगर के पास एक आलीशान बंगलो लिया है और आज मुझे दावत पर बुलाया है उन्होंने। हम नहीं आ सकते हैं क्या चार्ली? हाँ हाँ ठीक है, शुक्र मानो कि उन्होंने मेरे साथ मेरे सारे क्लासमेट्स को भी न्योता दिया है। तुम भी आ सकती हो जूली, और तुम दोनों भी। अब तुम क्या चीज हो? दिखने में तो ये ड्रोन सा लगता है। ड्रोन? एक नन्ना उड़ता हुआ रोबोट जिसे जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओह, मतलब ये मेरी जासूसी कर रहा था। तुम करो इसकी जांच चिकी, अब कुछ पता चले तो मुझे बता देना। ठीक है। चलो मम्मी। बस पार्क तक, शायद गोपी जूली सब हो वहाँ। मम्मी को नहीं बताना। साथ चलना होगा। राजू, मम्मी मुसीबत में है। राजू जल्दी आओ, मम्मी को बचाओ। राजू, ये किताब इतिहास के सबसे बड़े और शक्तिमान राजा महाराजाओं के बारे में है, और इसमें एक ऐसा भी राजा है जिसकी शक्ति थी कि वो किसी भी चीज को पत्थर में बदल सकता था। कहो, मुझे तो सोच कर ही डर लगता है। अरे वाह गोपी, तुम्हें तो हर राजा की हर शक्ति और सब कुछ याद है। तुम्हें तो इतिहास का प्रोफेसर होना चाहिए। ये क्या है? फिर से इतिहास? गोपी, अगर तुम इसी तरह ये इतनी पुरानी किताबें पढ़ते रहोगे तो बहुत जल्द तुम बूढ़े हो जाओगे। अरे चार्ली, पता है आज हमने उस किताब की दुकान में एक ऐसे राजा की तस्वीर देखी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, पर तुम्हें तो खैर इतिहास में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तो चलो मिलकर उस राजा की किताब ढूंढते हैं। बच्चे, अब निकलो यहाँ से, जाओ, जाओ। ये आइसक्रीम कितनी टेस्टी है। बहुत टेस्टी। आइसक्रीम वाले भैया, मुझे चॉकलेट, वैनिला, पिस्ता, बटरस्कॉच और स्ट्रॉबेरी सभी के एक एक स्कूप दे दो। मैं कोई फ्लेवर भूला तो नहीं ना? नहीं नहीं, इससे ज्यादा फ्लेवर्स तो मेरे पास है ही नहीं। ये
बच्चों। हेलो कमिश्नर खन्ना। तुम्हें आइसक्रीम खाता देख मेरा भी आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। मुझे एक वनीला आइसक्रीम देना चॉकलेट सॉस के साथ। अरे कहीं आइसक्रीम गिर ना जाए। फिलहाल तो तुम ये आइसक्रीम के पहाड़ को संभालो। ओके गोपी, मुझे अब घर जाना है, कल मिलेंगे। मैं बाजार जा रहा हूँ, मम्मी ने कुछ सब्जियाँ खरीदने को कहा है। बाय राजू। आज तो गोपी जूली के साथ खेलने में भी उतना मजा नहीं आया। घर में तो कोई भी नहीं, लगता है मॉम बाहर गई है। चलो चीकी, क्या हुआ तुम्हें? मगर मम्मी को कोई क्यों उठा ले जाएगा? पता नहीं। संध्या, संध्या किधर हो तुम? मम्मी कहाँ है राजू? डैड, मम्मी किडनैप हो गई है। शे, हमने देर कर दी। मतलब वो सच कह रहे थे। कौन डैडी? क्यों साइंटिस्ट, तसल्ली हो गई? हाँ, पर संध्या को यूं क्यों कर रहे हो तुम ये सब? उस आविष्कार के लिए जो तुमने बनाया है, वो हमारे हवाले नहीं किया तो? नहीं, कुछ मत करना उसे। मैं फिर से कॉल करूंगा, तब तक सारे इंतजाम कर लेना। मुझे फौरन लैब वापस जाना है। चीकी, राजू का ख्याल रखना। अब जल्द ही वो हथियार इस गौर का होगा, फिर सरकार क्या, कोई भी ताकत मुझसे बराबरी नहीं कर पाएगी। माफ करना अगर घंटी नहीं बजाई, पर मैं जरा जल्दी में हूँ। होशियारी नहीं, धार तेज है। किसी भी धार से माइटी का वार तेज है। शुक्रिया माइटी राजू। और कितनी दूर है चार्ली? है ना आलिशान। अब चलो अंदर चलते हैं। मामा जी, मैं आ गया। आहा, स्वागत है माइटी राजू। चीकी का कॉल। राजू, ये ड्रोन उसी का है जो चार्ली को ये सारे खिलौने दे रहा है। इससे लिए गए वीडियो में मैंने सब कुछ दे दिया। पर कौन कर रहा है ये सब? कराटी। माइटी राजू, इस बार कराटी के चंगुल से तुम बिल्कुल नहीं बच सकते। राजू को देना एक शाव। टिटो, विंसी कॉलिंग। हार मान लो माइटी राजू, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। खेल खत्म, पर खिलाड़ी नहीं, माइटी का महापंच जो करे तैयार।